The question is, in figure, there are two arcs A and B. Arc A is part of the circle with center O and radius OP. Arc B is the part of the circle with center M and radius PM, where M is the midpoint of PQ. Show that the area enclosed by two arcs is equal to 25 under the root 3 minus pi by 6 centimeter square. अब गिवन क्या है कि यहाँ पर हमारे पास टू आर्क्स हैं, एक आर्क ये है ए और दूसरी आर्क है हमारी ये बी। जो आर्क ए है उसका सेंटर है हमारे पास ओ, ओ सेंटर और ओ पी या ओ क्यू यानी कि 10 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के ये एक आर्क बन गई, ठीक है, यानी कि एक सर्कल का एक सेक्टर है ये। फिर इस पी क्यू को ज्वाइन करने के बाद जो ये कॉर्ड बनी है, इस कॉर्ड को डायमीटर सपोज करके एम इसका लिया मिड पॉइंट और यहाँ इस एम को सेंटर लेकर के और 5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के हमने एक सेमी सर्कल बनाया, जो दूसरी आर्क बनी है ये बी। तो जो इन दोनों के बिटवीन एरिया इनक्लोज हो रहा है, हमें ये एरिया फाइंड करना है, राइट। तो एरिया हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर इस सेमी सर्कल के एरिया में से, सेमी सर्कल ये पी क्यू बी जो सेमी सर्कल बना हुआ है, इसमें से अगर हम ये सेक्टर, ये सेगमेंट, सेक्टर नहीं ये सेगमेंट अगर माइनस कर दें तो हम इसका एरिया फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमें सेमी सर्कल और ये सेगमेंट दोनों का एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए देखो, पहले हमें पहले हम सेमी सर्कल का एरिया फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज इसमें हमारे पास रेडियस भी है, गिवन है 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर, आर है इसमें हमारे पास पी एम, 1/2 पाई एज इज रहने देते हैं बिकॉज हमारा आंसर पाई में ही है जो प्रूव करना है, और यहाँ आएगा हमारे पास 5 का स्क्वायर, दैट इज 25 पाई बाय 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इस सेमी सर्कल का एरिया हो गया। अब हमें फाइंड करना है ये सेगमेंट। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि सेक्टर का एरिया फाइंड करें और उसमें से ये ट्राइंगल का एरिया हम सब्ट्रैक्ट कर दें, इससे भी हो जाएगा। अदरवाइज हमें हम क्या कर सकते हैं, जो सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले हमें चाहिए एंगल कि ये जो सेक्टर है वो कौन सी डिग्री एंगल पर बना हुआ है, वो कैसे फाइंड करेंगे। अब देखो, इसकी जो रेडियस है हमें गिवन है ओ क्यू, ओ क्यू जो है वो हमें 10 सेंटीमीटर गिवन है, और एम क्यू, और जो एम क्यू है वो हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो इस ट्रायंगल की अगर बात करें तो एंगल इस थीटा ऑलरेडी डिनोट किया हुआ है, तो ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं ये थीटा, राइट। तो जिस साइड पे थीटा है तो ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर है और ये हमारा हाइपोटन्यूज है। हमारे पास परपेंडिकुलर और हाइपोटन्यूज है, सो परपेंडिकुलर मीन्स एम क्यू अपॉन ओ क्यू, ये कौन सी ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ओ एम क्यू, राइट। ये हमारे पास बनेगा साइन थीटा। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू एम क्यू की वैल्यू है 5 और ओ क्यू की वैल्यू है 10, दैट इज 1/2। तो हमें ये पता है कि साइन थीटा 1/2 कौन सी डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे होता है, तो इसे हम साइन 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो जो थीटा की वैल्यू है वो हमारे पास आ चुकी है 30, तो थीटा हमारा 30 डिग्री हो गया। अब देखो, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो हमारे पास जो कंप्लीट एंगल पी ओ क्यू है वो 2 थीटा, दैट इज 2 इंटू 30 मीन्स 60 डिग्री आ गया। एंगल पी ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो अब हम क्या करेंगे, सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला लगाते हैं। रेडियस हमें पता है 10 है और थीटा भी पता है हमें। नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट कौन सा है, ये पी क्यू ए। तो सेगमेंट के एरिया का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा अपॉन 360 पाई माइनस साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 इंटू आर स्क्वायर। अगर आपको ये अप्लाई नहीं करना तो हम क्या करेंगे, सेक्टर के एरिया में से ये ट्राइंगल के एरिया माइनस कर लेंगे। सेक्टर के एरिया निकालने का होता है हमारे पास थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस करेंगे, ये टू ट्राइंगल्स हैं, दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हमारे पास ही, तो 2 इंटू हाफ बेस इंटू हाइट, राइट।
तो यहाँ पर हमें जो ओ एम है वो फाइंड करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास हाइट नहीं है, तो वो फाइंड करके हम इसका एरिया जो है फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ मैं अप्लाई कर रही हूँ सेगमेंट का एरिया, बिकॉज थीटा और आर दोनों है हमारे पास। तो थीटा अपॉन 360, थीटा हमारे पास है 60 अपॉन 360 इंटू पाई, फिर साइन थीटा यानी कि 60/2 मीन्स 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और इस कंप्लीट के बाहर है आर स्क्वायर मीन्स 10 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से ये 6 हो जाएगा, पाई बाय 6 माइनस साइन 30 डिग्री की वैल्यू होगी हमारे पास 1/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, बाहर आएगा हमारे पास 100। तो अब आगे इस 100 को अंदर अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 50 पाई बाय 3, जो पाई बाय 6 से मल्टीप्लाई किया, और √3/4 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कैंसिल आउट हो गया, 25 बचेगा, 25√3, राइट। तो ये हमारे पास आ गया है एरिया सेगमेंट का। अब हमें क्या करना है, सेमी सर्कल के एरिया में से जो सेगमेंट हमने फाइंड किया है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। सेमी सर्कल का एरिया हमारा आया था 25 पाई, और इसका एरिया है हमारे पास सेगमेंट का 50 पाई अपॉन 3 माइनस 25√3। तो यही सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, रिक्वायर्ड एरिया 25/2 पाई माइनस 50 पाई बाय 3 माइनस 25√3, 25/2 पाई ब्रैकेट्स ओपन कर लेंगे, 50 पाई बाय 3 प्लस 25√3। तो ये सॉल्व करके हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो 25/2 माइनस 50 पाई बाय 3, तो ये हमारे पास आएगा 25 पाई बाय 6, लेकिन माइनस में 25√3 माइनस 25 पाई बाय 6। तो यहाँ से 25 कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 5/6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था। तो बेसिक सी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सेमी सर्कल के एरिया में से हमें ये सेगमेंट जो है, ये वाला जो सेगमेंट था, हमें वो सब्ट्रैक्ट करना था। तो सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आप दूसरा मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, राइट। इस टाइप से हम प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू।